सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामाजिक अध्ययन विषय के पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में दूसरा पार्ट आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं और दूसरा पार्ट पूरा पढ़ करके हम यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। तो चलिए दूसरा पार्ट भी हम देखते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप अपने फोर्थ सेमेस्टर के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। नैमी सारण कहाँ स्थित है? सीतापुर में, फैजाबाद में, खीरी में या झांसी में? राइट आंसर है सीतापुर में। ऑप्शन आप बिल्कुल सही है, नैमी सारण कहाँ स्थित है? सीतापुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट की दृष्टि से भी आप लोग के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। क्वेश्चन नंबर 67 है, गोमती नदी के तट पर स्थित है सामूगढ़, बदायूं, सिकंदरा या फिर लखनऊ? तो आपको पता है जो लखनऊ शहर है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोगों को ऑलरेडी ये पता भी है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? फैजाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर या अकबराबाद? आपको अच्छे से पता है कि जो अयोध्या है यह फैजाबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में, इलाहाबाद में, देवीपाटन या श्रावस्ती में? आपको पता है कि जो विश्वनाथ मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है, बनारस में या वाराणसी में? क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? देवा शरीफ में, गोलगो कड़नाथ में, फतेहपुर सीकरी में या कंपिल में? तो राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 71 है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? बिठूर में, कालपी में, श्रावस्ती में या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है बिठूर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किए थे कन्नौज प्रयाग में, प्रयाग थानेश्वर में, थानेश्वर वल्लभी में या वल्लभी प्रयाग में? राइट आंसर है कन्नौज प्रयाग में, ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में या बाराबंकी में? तो राइट आंसर है आगरा में किया जाता है, याद रखिएगा सुलह कुल उत्सव। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है कहां पर? फतेहपुर में, कलियर में, देवा शरीफ में या गढ़ मुक्तेश्वर में? तो राइट आंसर है देवा शरीफ में। क्वेश्चन नंबर 75 है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? देवरिया में, महाराजगंज में, कुशीनगर में या गोरखपुर में? दोस्तों चौरी चौरा जो जगह है यह गोरखपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 77 है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अकबर? तो यह की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर कृष्णा? तो राइट आंसर है यमुना। क्वेश्चन नंबर 79 है, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या मेरठ में? दोस्तों भारत माता का मंदिर स्थित है वाराणसी में, यानी कि बनारस में। क्वेश्चन नंबर 80 है, इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर या मोतीलाल नेहरू के नाम पर? तो जो एल्फ्रेड पार्क है इसका नामकरण पुनः नामकरण किया गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी या देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर? यहाँ पर दोस्तों तुलसीपुर होगा। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जेके मंदिर दिया हुआ है लखनऊ में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बा, जेके मंदिर लखनऊ। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं बल्कि कहाँ है, कानपुर में है। तो यहाँ पर यही सुमेलित नहीं है, बाकी वृंदावन मंदिर मथुरा में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में और देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में है। तुलसीपुर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया
1946 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1932 ईस्वी में? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 1942 ईस्वी में। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 84 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किए थे? तो गांधी जी जब अफ्रीका से लौटे थे तो उन्होंने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था चंपारण में। ऑप्शन डा जो है ये बिल्कुल सही है। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वदेशी, असहयोग आंदोलन या फिर होम रूल? तो राइट आंसर है ऑप्शन द होम रूल। क्वेश्चन नंबर 86 है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल? तो सबसे नीचे जो होगा उसी के ऊपर सबसे अधिक भार होगा, तो सबसे नीचे कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल। तो इसलिए वायुमंडल का भार सर्वाधिक क्षोभ मंडल पर होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? संवहनी, मानसूनी, चक्रवाती या फिर पर्वतीय? तो राइट आंसर है पर्वतीय। क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन सी पेयजल परियोजना नहीं है? गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, लवकुश गंगा बैराज परियोजना या आगरा बैराज परियोजना? तो ऑप्शन बा जो है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, यह पेयजल परियोजना नहीं है। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर या बरेली? तो राइट आंसर है बरेली। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा, धमार, ठप्पा या डांडिया? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने परसेंट की 10 की वृद्धि दर रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20.09%। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, देश की विशाल जनसंख्या या फिर औद्योगिक रुग्णता? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा, देश की विशाल जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 93 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 22 जुलाई 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946 या 14 सितंबर 1948? तो आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है या किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 21। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, गाडविन आस्टिन K2 या नंदा देवी? तो राइट आंसर है एवरेस्ट। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत की। क्वेश्चन नंबर 96 है, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा या प्राकृतिक वनस्पति? तो राइट आंसर है खनिज संपदा। क्वेश्चन नंबर 97 है, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो आप सभी को पता है कि बेगम हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से या दिल्ली से? तो राइट आंसर है जगदीशपुर से। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1870 में, 1872 में, 1875 में, 1880 में? तो राइट आंसर है 1875 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। क्वेश्चन नंबर 100 है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है रामकृष्ण परमहंस की, राजा राम मोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की या स्वामी दयानंद सरस्वती की? तो राइट आंसर है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की। क्वेश्चन नंबर 101 है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1922 में, 1924 में, 1928 में या 1930 में? दोस्तों साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित कर दी थी, यानी कि प्रस्तुत कर दी थी, जबकि इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था अपने देश में, फिर भी पारित कर दिया गया था और फिर भी ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है, राष्ट्र मेरा धर्म है जनसेवा मेरी पूजा मिशन किसका था? दोस्तों यह मिशन था लाला राजपत राय का। ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूछे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
क्वेश्चन नंबर 103 है, देश बंधु कहे जाते हैं देश बंधु चितरंजन दास, ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2018 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के लौह पुरुष कौन कहे जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्हें ही भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री भी कहा गया था, तो ऑप्शन बा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल राइट आंसर है, इन्हें हम लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से जानते हैं। और आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है गुजरात में, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, अपने देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105 है, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं जलवायु, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 106 है, सुनामी घटना घटित हुई थी, कब घटित हुई थी दोस्तों, 2004 में हुई थी, ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 107 है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 108 है, कोलार की खानों का संबंध किस धातु उत्पादन से संबंधित है, सोना कोयला लोहा या तांबा, तो राइट आंसर है सोना। क्वेश्चन नंबर 109 है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है, तो सबसे अधिक चीनी मिले हैं महाराष्ट्र में, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 110 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 111 है, हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग या लघु उद्योग, दोस्तों हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 112 है, 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी, तो दोस्तों तिथि निश्चित की गई थी 31 मई 1857, बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है, लेकिन 2019 में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई थी, 31 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 113 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है इसके विषय में कि किस तरीके से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया अपने देश से। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रेट ग्रैंड पर्सन या ग्रेट ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा जगह कहाँ स्थित है, गोरखपुर में, तो स्वाभाविक सी बात है ऑप्शन आ जो है गोरखपुर, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 116 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन भी इन्होंने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 117 है, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर लाला लाजपत राय ने, तो राइट आंसर दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 119 है, उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में विभाजित किया गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यह, उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है, चना सरसों मूंग या फिर मटर, दोस्तों राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन सा मूंग, बाकी चना सरसों मटर ये रबी की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का है, तो दोस्तों यह है ब्रज भूमिका नृत्य, चारकुला नृत्य ब्रज भूमिका नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 122 है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है, तो कैगा कर्नाटक में स्थित है, यहाँ क से कैगा और क से कर्नाटक, इस तरीके से आप याद रखिएगा तो याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में यह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 7, ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 126 है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई,
यह हुई 2015 में योजना आयोग को अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चंस को आपने कर लिया है, सभी क्वेश्चंस देख लिया अच्छे से। और इससे पहले की वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता रहा, लगातार करता रहेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।